गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अब मैं जा रही हूँ शूट पे और फाइनली मैं स्टेशन पहुँच गई हूँ। अब मैं लूँगी मेट्रो और आज फर्स्ट टाइम मैं बहुत जल्दी पहुँच रही हूँ, मतलब 15 मिनट जल्दी पहुँच जाऊँगी सेट। फर्स्ट टाइम मैं तो हमेशा लेट होती हूँ, एटलीस्ट हाफ एन आवर तो लेट होती हूँ मैं। आज इतना अच्छा क्लाइमेट है, बहुत ही अच्छा, ना धूप ना बारिश, क्लाइमेट अच्छा है। इतनी लंबी लाइन लगी है अभी टिकट के लिए, मैं इतनी लंबी लाइन में खड़ी रहूँ यार, मतलब क्या ही बोले। हाँ, हर जगह पे रश रश रश, इतनी सारी लाइन। आज बनाएंगे रील्स। मैंने भी 5-6 दिन पहले ही देखा तेरा और मेरा वो वाला रील्स था ना एक। हाँ, क्या? अरे जो एक दूसरे अंकुर थे उन्होंने तो कास्टिंग ही छोड़ दी, बोल रहे थे मैं वो शो ही छोड़ दिया कोमे किसी के प्यार में। अच्छा, तो उसमें थे फोटो शूट था हमारा, काफी टाइम चला। अच्छा, ये कितने दिन तक चलेगा? ये है काफी दिन अपना, ये कितने दिन तक चलेगा? है काफी दिन है। काफी दिन है मतलब है एक दो आता दिन जाता रहेगा ऐसा। डॉक्टर का और नर्स का एक दो दिन कुछ 3-4 डेज, उसके बाद बीच में गैप फिर से। अच्छा ऐसा। एक्चुअली मेरे को जब कॉल किया ना तो ऑलरेडी मेरा एक शूट था उसका किया था मेरा वो ने बालाजी का था वो, बट तो मेरा मे बी उसमें नहीं हुआ होगा। कौन सा? तो फिर मैंने इनको रोक के रखा था, ये नहीं बताया था, बोले बालाजी का ही है तो रोक के रखा था मैंने इनको। मैं बोला रुको वहाँ से कुछ भी आता है अपडेट नहीं आता तो मैं आपको बोलती हूँ, ऐसे हाँ नहीं बोल सकती क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे उन्होंने बोला आप फ्री हो क्या। मेरा तो फिर जब वहाँ से कुछ नहीं आया ना तो मैंने फिर इनको बोला हाँ ठीक है ओके। अभी कुछ दिन पहले ही ना तुमने डॉक्टर का डाला था परिणीति का। मैं मोस्टली अगर लेती हूँ ऐसे अगर कैरेक्टर्स तो डॉक्टर या पुलिस का, बाकी मैं कुछ नहीं लेती। मैंने अभी शॉर्ट फिल्म खत्म किया ए वन डे में, एक ही दिन में शूट करके पूरा, वही 1 घंटे का कुछ रहा होगा एक ही सीन, मतलब शॉर्ट स्टोरी वैसे ही एक दिन में पूरा शूट करके खत्म किया विरार में। मतलब क्या, कौन से चैनल के लिए था? MXPL के लिए। अच्छा, उसमें मेरा लीड था, मैं जो आर्मी का दिखाया बाद में। मेरा क्राइम का एक शूट है 2-3-4 को है, लीड का ही है। अभी उसके लिए मुझे आज लुक टेस्ट के लिए भी बुलाया था पर मैं आज तो नहीं आ पाऊँगी। अगर जल्दी हो जाता है तो ठीक है, 6 बजे बुलाया शाम को मड में। मेरे को क्या लगा, ड्रेस वाले ने मैं जब मैसेज किया मुझे बोले कि आप जो है आपके पास नॉर्मल कॉल टाइम ही नहीं दिया था मुझे किसी ने 11 बजे तक, मैं परेशान। मेरा भी सेम 11:30 बजे कॉल टाइम है भाई। फिर वो ड्रेस वाले जैसे मैंने उससे पूछा टाइम क्या है वो, तो उसने पूरा भेज दिया लोकेशन टाइम सब भेज दियो। फिर अंकुर ने मुझे 12 बजे तक कॉल करके फाइनल कंफर्म किया आ गया ना, आ गया मुझे, हाँ आ गया। डार्क कलर नहीं किया ना स्किन टोन से? हाँ भाई, मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है। मैं SJ स्टूडियो में 4th बार आ रही हूँ इस बार। अरे मैं तो कितनी बार आ चुकी हूँ SJ स्टूडियो में, नहीं होता है अब SJ स्टूडियो वाले जानने लग गए कितनी, क्योंकि कुंडली भाग्य में कंटिन्यू कुछ 15-20 दिन के लिए आई थी मैं, SJ डेली आती थी। क्या था उसमें? इंस्पेक्टर का था, डेली आती थी। हाँ हाँ मालूम है। हाँ है ना,
फिर उसके बाद बड़े अच्छे लगते हो, उसमें भी मेरा पुलिस का ही था, तभी भी मैं आती थी। फिर और भी बहुत सारे शो किए यार SJV में मैंने, और वो भी मतलब एक दो दिन के लिए नहीं, ऐसी कंटिन्यूटी के लिए ही आती थी मैं यहाँ पे, तो सब पहचानने लग गया। SJ आता है तो अपने खुश हो जाते थे, चलो मेरा यार बहुत कम होता है, डोर क्लोज करते ना, AC का हवा आ रहा था, मैं भी सोच रही थी डोर क्यों ओपन, क्योंकि फैन भी बंद है। ये सब नए रूम बने ना, ऐसा लग रहा है पहले नहीं थे। चीटा उड़ गया थे तेल का कल, क्या बना रही है? वो साबुदाना वड़ा तो फूटता है ना कभी कभार, तो लग गया मेरे, मैंने तो बनाया है बट मेरे से तो नहीं खाया। अरे होता है रे, कभी कभार हो जाता है, मैंने कितनी बार बनाया कभी नहीं हुआ, कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो स्किन निकल गया वो। मतलब ब्लैक चाय टाइप, पर उसमें अदरक और ये सब, हाँ अदरक और सारी चीजें, दूध दूध नहीं, चाय नहीं पीती यार, पिछले 5-6 दिन से मुझे थोड़ा इन्फेक्शन हो गया ऐसे गले का। तेरा स्किन टोन भी बहुत डार्क हो गया पहले से, जब तू पहले मिली थी है ना, अब तो हो गया होगा यार, अभी बहुत काली हो गई है, समझ काफी डार्क हो गया, और तू पहले से फेयर लग रही है। हाँ मैंने भी देखा, मैं बोली खुशी है इतनी फेयर लग रही है, तुम पहले से गोरी हो गई और काली हो गई और पतली भी हो गई ना, तो तुम है ना। ए नहीं यार पता, मेरे हाथ वाथ भी मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा, मैं पहले मलाड में रहती थी तो दाग, जब तुझे मिली थी ना मैं मलाड में रहती थी तभी, और अभी गोरे मीरा रोड का पानी पता नहीं काला कर दे रहा है कि गोरा कर दे रहा है, पता नहीं काफी डार्क हो गया पता नहीं, या फिर लग ही रहा है वहाँ पे आई डोंट नो। लेकिन यार अभी 4-5 दिन से ना मेडिसिन पे जिंदा हूँ, दवा खा खा के कर रही हूँ काम। क्या हो गया? ये गले का, गले में ऐसे टॉन्सिल होता है ना, कुछ ले नहीं पाते, खा नहीं पाते, दर्द होता है, वैसे ही हो रहा है, अभी मेडिसिन लाई हूँ, अभी खाना खा के खाऊंगी, और फीवर भी उसकी वजह से आ जाता है, इसलिए ऐसे हो गया थोड़ा। सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, हो चुकी हूँ काफ़ी दिन के बाद, मैंने पहनी है साड़ी, बहुत अजीब लग रहा है, मच्छर भी बहुत काट रहे रूम में, और ये मैडम चना खा रही है, घोड़ा मैं चना खा रही है, अभी मैं बस वेट कर रही हूँ कब मेरा कोट आए, मैं कोट पहनूँ और फिर मैं जाऊँ सेट पे। लाइंस भी याद कर रही हूँ, बहुत कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड थी मैं कि इतनी सारी लाइंस होगी, शायद आज मैं सेट से रूम पे भी नहीं आऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। वहीं पे बैठा के रखेंगे, नहीं अभी और लाइंस करो, अभी और लाइंस करो, ठीक है। मतलब जब हम सोचते ना कि बहुत सारी लाइन हो तब नहीं होती, और जब नहीं सोचते ना उसी दिन होती है, आज मैंने सोचा नहीं था। मेकअप आज काफ़ी प्यारा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, इसको पता नहीं कौन सा मेकअप करना था। मेरे मेकअप दादा बहुत अच्छे रहते हैं, मस्त करते हैं वो, मुझे तो अच्छा लग रहा है मेकअप। एक्चुअली कल है ना, एक्चुअली कल मुझे ना यहाँ पे जल गया, हाँ तो है ना वो स्किन निकल गई जल के, ऑयल पूरा पेन भी है। वो दिन आएगा जब मेरा पर्सनल मेकअप दादा लेगा, लेकर घूमूंगी। चना खा रही दिखता नहीं क्या? Yeah, but then
किसी ने किसी को पकड़ लिया, जब लगा अच्छा बच्चा पीछे चल बचा, कोई सब नहीं किया। उसकी बात नहीं स्टार्ट करी, पापा स्टार्ट किया।